Assalamu alaikum. I'm Nida Ansari. I'm working as a clinical embryologist in Live IVF Center, Hamidadev Hospital. So this is the continuity of success stories, and we have another success story today of Mariam, Suhail and Suhail Bhatt. Mariam Suhail हमारे पास 2019 में आई और with a complaint के of infertility. They both living together for about like 14 years and they couldn't conceive. जब हमने उनकी हिस्ट्री ली तो हमें आइडिया हुआ कि फीमेल की लेफ्ट ओवरी विजिबल नहीं है जबकि राइट ओवरी में PCOS की कंप्लेंट थी. और ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि इनकी एक ऐसी सिस्ट है जिसे रिमूव करना चाहिए. 2019 में इनकी एक लैप्रोटॉमी प्लान हुए जिसमें उस सिस्ट को रिमूव किया गया. इन 2020 आफ्टर दैट लैप्रोटॉमी हमने इनका IVF साइकिल प्लान किया और उसमें उन्हें स्टिमुलेट किया गया और इनका एग रिट्रीवल प्रोसीजर हुआ जिसमें हमने इनके एग एस्पायरेट किए. टोटल हमें 7 एग्स मिले जिसमें से 6 एग्स ऐसे थे जो मैच्योर थे. उसके बाद हमने उन एग्स को इनके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ जब मिलाया तो लकीली 6 आउट ऑफ 6 फर्टिलाइज हो गए और पाँचवें दिन तक 6 के 6 ऐसे थे जिनमें पोटेंशियल थी और हमें लगता था कि इनमें एक हेल्दी बेबी में कन्वर्ट होने की पोटेंशियल है. तो हमने 6 के 6 इनको फ्रीज कर लिया. नेक्स्ट हमने इनको FET साइकिल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे जब बुलाया और हमने इनके 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए तो अनलकीली उनका फर्स्ट साइकिल तो फेल हो गया. बट देयर इज़ अ गुड थिंग अबाउट इट कि अगर फर्स्ट साइकिल फेल हो जाए तो यू स्टिल हैव होप. वो दोबारा से आई और इस साइकिल में उनकी कंसेप्शन हुई और उनकी एक हेल्दी फीमेल बेबी डिलीवर हुई. और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी है या आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आप लाइफ सेंटर विजिट कर सकते हैं. और इस सक्सेस स्टोरी से मैसेज यही था कि डोंट लूज होप. इफ़ योर फर्स्ट साइकिल FET साइकिल और मे बी फ्रेश साइकिल इज फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस इनफर्टिलिटी और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यू कैन विजिट अस और कॉल अस ऑन दिस गिवन नंबर. थैंक यू.